Hi guys, welcome to Only Vocabulary. So today is 28th January 2017 and we are going to discuss the important words of the Hindu newspaper and other important newspaper with pictures and tricks, especially for competitive exams. So let's get started. First word is inalienable. Inalienable means something that is yours forever and that can't be taken away. मतलब जो आपके साथ हमेशा रहेगा और वो राइट आपसे कोई ले नहीं सकता, आपसे कोई छीन नहीं सकता है, उसे बोलते हैं इनएलियनेबल। जैसे आपका नेचुरल राइट, जैसे आपका जीने का राइट या आपका प्रॉपर्टी राइट या ह्यूमन राइट, ऐसा कोई राइट्स है जो आपसे कोई वापस नहीं ले सकता है, आपसे कोई छीन नहीं सकता वो राइट्स को, उसे बोलते हैं इनएलियनेबल। एक्चुअली इनएलियनेबल वर्ड ना राइट के लिए यूज़ होता है। जैसे इनएलियनेबल राइट दैट मीन्स समथिंग दैट कांट बी गिवन और टेकन अवे बाय अ गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी। सो इनएलियनेबल मीन्स incapable of being repudiated or transferred to another, or you can say unable to be removed। हिंदी में से बोलेंगे अविच्छेद्य। अभी से याद कैसे रखे, तो इसमें कौन सा डेट हो, एलियन। एलियन आपने, आपको पता होगा, जैसे आपने कोई मिल गया मूवी देखा होगा तो उसमें एलियंस जो अदर प्लैनेट से जो लोग आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एलियन। तो अभी से एलियंस ही करते हैं रिलेट। जैसे आपने मूवी देखा होगा कोई मिल गया हमें, तो ऋतिक रोशन को जो एलियंस जो पावर देते हैं, वो जो उसे पावर देते हैं, उस पावर को ऋतिक रोशन से कोई छीन नहीं सकता है। उसके जो वो पावर, वो इनएलियनेबल पावर है, मतलब उससे पावर वो हमेशा उसी के पास रहेगा, उससे वो पावर कोई छीन नहीं सकता है, तो उसे बोलते हैं इनएलियनेबल। सो इनएलियन को करो रेट एलियन से। सो एलियन इन मूवी ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन वॉज गिवन पावर बाय द एलियंस which was not taken away or transferred, so it was with him, जो हमेशा उसके साथ रहेगा, तो वो क्या होगा, inalienable power। For example, inalienable rights, जैसे यहाँ देखो life the first inalienable rights, मतलब ये आपके जो जीने का right है वो आपसे कोई नहीं ले सकता, आपसे कोई छीन नहीं सकता वो rights को, तो उसे क्या बोलेंगे, inalienable rights। Next word is urbane। Urbane means sophisticated people। Sophisticated means होता है विवेक, जो लोग अपना काम बहुत विवेक से लेते हैं, धैर्य से लेते हैं, उन्हें बोलते हैं sophisticated। So urbane का मतलब होता है sophisticated people, polished people, cultured people, refined people को बोलते हैं urbane। मतलब जो लोग बहुत सुसभ्य लोग होते हैं, in short जो सुसभ्य लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं urbane। So urbane means especially of a man confident, comfortable and polite in social situation, और यू कैन से courteous and refined in manner। courteous मतलब जो लोग बहुत विनम्र होते हैं उन्हें बोलते हैं courteous। हिंदी में से बोलेंगे सुसभ्य। अब इस वर्ड को याद कैसे रखें, तो देखो अर्बन में वर्ड आ रहा है अर्बन, urban। अर्बन, अर्बन का मतलब आपको पता होगा शहर, सिटीज को बोलते हैं अर्बन एरियाज, एंड इसका अपोजिट है रूरल एरियाज। रूरल मीन्स क्या होता है, ग्रामीण, गाँव को बोलते हैं रूरल एरियाज। तो जो लोग अर्बन में रहते हैं वो लोग होते हैं अर्बन, जो लोग अर्बन सिटीज में रहते हैं वो होते हैं अर्बन। ओके, सो अर्बन को करो रेड अर्बन से। अर्बन पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज जनरली हैव ए रिफाइंड सोशल एक्सपीरियंस, सो अर्बन। फॉर एग्जांपल ही इज केयरिंग एंड अर्बन। नेक्स्ट वर्ड इज परे। परे मींस समवन दैट हैज बीन रिजेक्टेड बाय देयर सोसाइटी, मतलब किसी पर्सन को उसके सोसाइटी से, उसके कम्युनिटी से निकाल दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं परे। एक्चुअली ये अनटचेबल्स होते हैं, मतलब जो अछूत होते हैं, उसको अपने कास्ट से, उनके रिलीजन से, उसके कम्युनिटी से निकाल दिया जाता है, तो उन्हें बोलते हैं परे। सो परे मीन्स ए पर्सन हु इज रिजेक्टेड फ्रॉम ए सोसाइटी और होम, और यू कैन से ए सोशल आउटकास्ट। आउटकास्ट मतलब होता है किसी पर्सन को अपने जाति से, अपने कास्ट से, अपने कम्युनिटी से निकाल जाता है। एक्चुअली आउटकास्ट मतलब जिसको अपने कास्ट से निकाल जाता है उसे बोलते हैं आउटकास्ट। सो परे मीन्स ए सोशल आउटकास्ट, हिंदी में बोलेंगे इसे अछूत। अब इस वर्ड को याद कैसे रखें, तो इसे कोरिलेट पराया से। परे, पराया, पराया मतलब आपको पता होगा ना, जो बहुत स्ट्रेंज होते हैं हमारे लिए, उन्हें क्या बोलते हैं हिंदी में, पराया। सो परे, पराया, सो साउंड लाइक पराया विच इन हिंदी मीन्स स्ट्रेंज, hence it could be an outcast, pariah। For example, they were treated as social pariahs। And next word is magnanimous। magnanimous means generous people, मतलब जो लोग बहुत उदार होते हैं, दयालु होते हैं, उन्हें बोलते हैं magnanimous, means someone who is big hearted। but ये word especially जब आप अपने rivals को, अपने
एनिमीज को माफ करते हैं तो उन्हें बोलते हैं मैग्नेनिमस। मतलब जब आपने अपने आप एनिमीज को, अपने राइवल्स को, अपने अपोजिशन को माफ कर देते हो तो आपको बोलेंगे मैग्नेनिमस। सो मैग्नेनिमस मीन्स ए वेरी काइंड एंड जेनरस टुवर्ड्स एन एनिमी और समवन यू हैव डिफीटेड। और यू कैन से हिंदी में उदार। अब इसको वर्ड को याद रख कैसे रखें, तो इसको हम रूट वर्ड से याद रखते हैं मैग्नेनिमस को। ये होता है मैग्नस, मैग्नस प्लस एनिमस। जैसे आपको वर्ड ये वर्ड देखने को मिलेगा मैग्नस, मैग्नस मीन्स होता है ग्रेट, ये याद ही कर लेना, मैग्नस मीन्स होता है ग्रेट। ओके सो मैग्नस मीन्स ग्रेट एंड एनिमस मीन्स सोल। तो ग्रेट सोल, ग्रेट सोल मीन्स क्या हुआ, मैग्नेनिमस। फॉर एग्जाम्पल द टीम्स मैनेजर वे मैग्नेनिमस इन विक्ट्री एंड प्रेज्ड द लूजिंग टीम। नेक्स्ट वर्ड इज luminary. Luminary means a celebrity or a well-known person in sports, politics, science, art and culture. मतलब किसी well-known person, मतलब कोई well-known person किसी special field के, जैसे sports के, cinemas के, मतलब किसी भी field के, जो लोग दूसरे को knowledge बांटते हैं, ज्ञान बांटते हैं, उन्हें बोलते हैं luminary. Actually इस वर्ड को ज्ञान एंड नॉलेज को लाइट से किया गया है रिलेट। जैसे लाइट किसी और को रोशन करता है, दूसरे को रोशनी देता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं लुमिनस। उसी तरह लुमिनरी पीपल जो दूसरे को ज्ञान बांटते हैं, जैसे हम किसी को ज्ञान बांटते हैं तो हम उसकी जिंदगी में मतलब उसे रोशन क्यों कर रहे हैं ना, उसको नॉलेज बांट के, ज्ञान बांट के, तो उसे बोलते हैं लुमिनरी। सो लुमिनरी मीन्स ए पर्सन हु इंस्पायर्स और इन्फ्लुएंस अदर स्पेशली वन प्रोमिनेंट इन ए पर्टिकुलर स्पेयर्स। पर्टिकुलर स्पेयर्स जैसे किसी फील्ड में, मतलब जैसे स्पोर्ट्स में या कल्चर में या सिनेमाज में, तो उसे बोलेंगे पर्टिकुलर स्पेयर्स। और यू कैन से ए सेलिब्रिटी हु इज एन इंस्पायरेशन टू ऑल। हिंदी में से बोलेंगे अपूर्व बुद्धि का मनुष्य या चंद्रमा। देखो लुमिनरी को हिंदी में से बोलते हैं चंद्रमा। जैसे आपको पता होगा लुमिनियस ऑब्जेक्ट, जैसे जो प्रकाश देते हैं किसी और को, मतलब प्रकाश युक्त होते हैं जो किसी को प्रकाश देते हैं, उन्हें बोलते हैं लुमिनियस। जैसे चांद, मतलब मून, सन, उन्हें क्या बोलते हैं लुमिनियस। तो अब याद रखने के लिए इसको कर रिलेट लुमिनियस से, लुमिनियस जैसे जो दूसरे को प्रकाश देते हैं, उसी तरह जो लुमिनरी पीपल होते हैं, जो दूसरे को ज्ञान बांटते हैं, नॉलेज बांटते हैं, दूसरे को रोशन करते हैं, उन्हें बोलते हैं लुमिनरी। सो रिलेटेड विथ लुमिनियस, लुमिनरी कैन मीन एन ऑब्जेक्ट और सेलेस्टियल बोर्ड that gives off light. So a celebrity who is in the limelight inspires others. Or next example is he was hosted to a large gathering of luminaries. Next word is semblance. Next word is semblance. Semblance means likeness. मतलब जो एक जैसा दिखता है, एक जैसा लगता है, but वो illusion है, उसे बोलते हैं semblance. So semblance means an outward or token appearance or form that is deliberately misleading. Or you can say a representation or a copy. हिंदी में से बोलते हैं दिखावा। अब इसे याद कैसे रखें, तो इसको का रिलेट semblance से, semblance को रिलेट resemble से, resemble आपको पता होगा resemble मतलब होता है जो एक जैसा दिखता है, जो एक जैसा लगता है, उसे बोलते हैं semblance. तो इसको का रिलेट resemblance. Okay, resemblance. So it immediately come to your mind and relate the meaning semblance to resemblance. For example, there remained at last a semblance of discipline. Next word is cone. Cone means when you take the advantage of someone's trust or belief. मतलब जब आप पे कोई believe करता, trust करता और आप उसके money के लिए उसे ठगते हो, मतलब उसे ठगना, okay? मतलब cone का मतलब होता है आप किसी को ठगते हो, मतलब जैसे आप पे कोई बिलीव करता है, आप पे कोई ट्रस्ट करता है और आप उसको पैसे के लिए ठगते हो, तो उसे बोलते हैं कौन। एक्चुअली कौन का मतलब सिंपल समझो ठगना, मतलब किसी को जब ठगते हैं तो उसे बोलते हैं कौन। सो कौन मीन्स टू मेक समवन बिलीव समथिंग फॉल्स यूजुअली सो दैट पर्सन विल गिव यू देयर मनी और पोजेशंस। और यू कैन से पर्सुएड समवन टू डू और बिलीव समथिंग बाय लाइंग ऑन देम। हिंदी में से बोलेंगे ठगना। अब इस वर्ड को याद कैसे रखें, तो आपने वर्ड सुना होगा कोनिंग। कोनिंग मतलब होता है ठगना, जैसे कोनिंग द पब्लिक, कोनिंग समवन, मतलब किसी को ठग रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे कोनिंग। फॉर एग्जाम्पल सी फेल्ट सी हैड बीन कोन्ड बाई इनटू बाइंग द कार। मतलब उसे महसूस हो रहा है कि वो कार खरीदने में ठगा गई है, तो उसे क्या बोलेंगे सी फेल्ट सी हैड बीन कोन्ड इनटू बाइंग द कार। सॉरी
एंड गाइस आज के लिए वो क्वेश्चन है स्कफल का मतलब क्या होता है। स्कफल ये वर्ड मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, स्कफल सफल अगर आपको याद होगा तो आपको बताना सफल का मतलब क्या होता है। ये वर्ड मैंने 23 जनवरी डिस्कस किया, अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो आप वहां से गाइस देख के मीनिंग अच्छे से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 15 ईयर ओल्ड डाइज आफ्टर स्कफल विथ क्लासमेट। देखो ये पूरा लाइन स्कफल पे, अब स्कफल का मतलब क्या होगा तो मतलब नहीं पता होगा तो इस लाइन का मतलब नहीं समझ आएगा। सो गाइज आपको बताना स्कफल का मतलब क्या होता है। एंड गाइज अब आप रिविजन के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट वर्ड था inalienable, means something that is yours forever and that can't be taken away. चलो साथ में रिविजन भी हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज अर्बन, मतलब जो सुसभ्य लोग होते हैं, सोफिस्टिकेटेड पीपल होते हैं, उन्हें बोलते हैं अर्बन, मतलब जो लोग अर्बन में रहते हैं उन्हें बोलेंगे अर्बन। नेक्स्ट वर्ड था परे, परे मीन्स जो अछूत लोग, अनटचेबल्स लोग, उन्हें बोलते हैं परे। नेक्स्ट वर्ड इज मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस मीन्स जो लोग बहुत उदार होते हैं, दयालु होते हैं, जो अपने एनिमीज को, ओपोनेंट को भी माफ कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं मैग्नेनिमस। नेक्स्ट वर्ड था लुमिनरी, लुमिनरी मीन्स जो दूसरे को ज्ञान देके दूसरे के जिंदगी में रोशनी लाते हैं, जैसे कोई सेलिब्रिटी या वेल नोन पर्सन, उन्हें बोलते हैं लुमिनरी। नेक्स्ट वर्ड रिजम्बलेंस, रिजम्बलेंस मीन्स लाइकनेस, मतलब जो एक जैसा दिखता है बट वो है इल्यूजन, तो उसे बोलते हैं सेम्ब्लेंस। नेक्स्ट वर्ड इज कोन, कोन मीन्स जब आप किसी को ठगते हो तो उसे बोलते हैं कोन। सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ, होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। See you in my next video. Thanks very much for listening.